सो ही गाइज, कैसी हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे मोबाइल अभी आने लग गए हैं, लेकिन जब भी हम गेमिंग फोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक महंगा मोबाइल आता है जिसकी प्राइस जो है 20,000 के अराउंड रहती है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के लिए तीन ऐसे बेस्ट मोबाइल लेकर आए हूं जिनकी प्राइस आप लोगों को 10,000 के अराउंड देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उनमें आप लोगों को रैम देखने के लिए मिल जाएगी 6 GB, 64 GB का स्टोरेज, और उसी के साथ आपको मिल जाता है क्यूआर कैमरा सेटअप। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक ऐसे मोबाइल नहीं देखे होंगे 10,000 के अंदर जिनमें आप लोगों को 6 GB रैम देखने मिले। और जो नंबर वन पर मैं मोबाइल बताऊंगा वो मोबाइल एकदम नेक्स्ट लेवल है, उस मोबाइल को आप बिंदास कर ही सकते हो, गेमिंग आप लोग बेटर कर पाओगे उस मोबाइल में। तो वीडियो को हम बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 3 पर आने वाले मोबाइल के बारे में। तो ये आता है लावा Z6, एंड इस मोबाइल में आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाती है 6.15 इंच की HD प्लस, प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek Helio का G35। इस मोबाइल में आप लोगों को फ्रंट कैमरा काफी जबरदस्त मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल। अगर हम इसके रियर कैमरे के बारे में बात करते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप मिल जाता है। और इस मोबाइल में आप लोगों को रैम मिलती है 6 GB। स्टोरेज की बात करते हैं, यहाँ पर 64 GB का स्टोरेज मिल जाता है और बैटरी कैपेसिटी आपको 5000 mAh मिल जाती है, वो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, ये मोबाइल काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल जाता है और यहाँ पर डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है, रैम आपको बढ़िया मिल जाती है और इस मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया है। साथ ही यहाँ पर इसका लुक भी आप लोगों को काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्राइस में आप लोगों को शायद ही कोई मोबाइल मिले तो आप इस मोबाइल को भी खरीद सकते हो। बाकी आप इन दोनों मोबाइल को जरूर देखें जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। अभी बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले मोबाइल के बारे में। तो ये आता है माइक्रो मैक्स इन 2V 6 GB रैम के साथ। तो अब इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.52 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर आपको काफी बढ़िया मिल जाता है जो की ये T610 का, जो की काफी बढ़िया प्रोसेसर है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है और इसका रियर कैमरा आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। रैम यहाँ पर आपको 6 GB मिल जाती है और स्टोरेज आपको 64 GB का मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, वो इसमें आपको मिल जाता है Android V11। दोस्तों, इस प्राइस में ये मोबाइल काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि इस मोबाइल की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही आप लोगों को इस मोबाइल में काफी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है गेमिंग के लिए और इसका लुक भी आप देख सकते हो, इसका लुक भी काफी बढ़िया है। तो बात करते हैं अभी नंबर 1 पर आने वाले मोबाइल के बारे में। ये आता है Poco M2, एंड इस मोबाइल की जो डिस्प्ले वो आपको मिल जाती है 6.53 इंच की HD प्लस। प्रोसेसर की बात करते हैं, MediaTek Helio का G80 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। फ्रंट कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है और इसका जो रियर कैमरा सेटअप है वो आपको क्यूआर कैमरा सेटअप मिलता है 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। रैम आपको 6 GB मिल जाती है, स्टोरेज आपको 64 GB का, बैटरी मिलती है 5000 mAh की, वो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट सिर्फ 10,000 के अराउंड है तो आप इनमें से कोई सा भी एक मोबाइल परचेस कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहिए कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कि आप लोग जो है इनमें से कौन सा मोबाइल ले सकते हो। बाकी ये तीनों मोबाइल काफी बेस्ट है, 10,000 के अंदर आप लोगों को ऐसे मोबाइल नहीं मिलने वाले क्योंकि मैंने इन मोबाइल को आप लोगों के लिए काफी मुश्किल से तलाश किया है। तो आप लोग जो इन मोबाइल को जरूर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।